डेटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है अतात तारड़, इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ शेखुपुरा लाहौर की बसों के अंदर झूठी कस्में खा खा के सांडे का तेल और जंतरियां बेचते हैं। इस तरह का चवल आदमी लोगों की घरों की, औरतों के घरों की बातें करता है। इसको लगाम दें, इसको खोलने वाले, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी ज़ुबान को लगाम दें। आपके दादा मरहूम फौत हो चुके हैं इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता ज़्यादा, वो बुज़ुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं। जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने ख़रीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज़ कहूँगा, गुस्सा कर लिया जाता। हमारी ज़ुबान पर तो बड़ा ही ताप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं जो मैं अपनी ज़ुबान बोल रहा हूँ। सो जो ब्रोकरी उन्होंने, अंग्रेज़ी वाला कबूल है, अंग्रेज़ी में जो कहो कबूल है, पंजाबी में ना कहो ये कबूल नहीं है। जो ब्रोकर वो बने थे, जो ब्रोकरी उन्होंने की थी, वो सबके सामने है। तो जैसी आपकी तरबियत है आपने वैसी बातें करनी है लोगों की, औरतों के बारे में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं मरियम बाजी के बारे में जो ज़ुबान घटिया आप इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ से नहीं होगी। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की पढ़ी लिखी क़्यादत और लोगों से ये माजरत चाहता हूँ कि जब आपको एतराज़ होता है मेरी ऐसी बात करने पे, तो मसला ये है कि जो जो आप मुँह है हो जी चपेड़ मारेंगे ना, ये खसलत गटर के अंदर आप टूथब्रश तो नहीं डालेंगे, गटर के अंदर वड्डी डांग फेरी दी है ताकि गटर साफ़ हो। सो गटर के अंदर टूथब्रश से साफ़ नहीं होता गटर, ये गटर है, इनको साफ़ करने के लिए वड्डी डांग देनी पैंदी है गटर दे विच। सो इसलिए आपको मैंने ये बताना है आज कि दूसरी काविश इनकी ये थी, पहली मैंने आपके सामने रख दी, दूसरी काविश आपके सामने अब मैं रखता हूँ। और वो ये है कि